बिहार में महागठबंधन को छोड़कर एनडीए की मदद से बनी नई सरकार बनाने के बाद नीतीश सरकार को 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करना है, लेकिन उससे पहले राज्य की सियासत में घमासान तेज है। दरअसल बीते कुछ दिनों में बिहार में जिस तरह से सियासी उठापटक देखने मिल रही है, उससे फिर कुछ बड़ा खेला होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। आरजेडी के खेला होने के दावे के बीच करीब सभी दल सतर्क दिखाई पड़ रहे हैं और अपने विधायकों को सहेजने में जुटे हुए हैं। आलम कुछ ऐसा है कि सभी दल अपने विधायकों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी एक्टिव हैं। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को आनन फानन में पटना बुला लिया। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने भी अपने विधायकों को व्हिप जारी कर दिया है। वहीं जेडीयू के अपने विधायकों के लिए भोज का आयोजन भी दिखाई पड़ा है, जिससे कि ये लगे कि हाँ सभी एकजुट हैं। आपको यह भी बता दें कि फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में इतनी हलचल इसलिए भी है क्योंकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बीते दिनों जिस तरीके का बयान दे रहे थे, उनके बयान के बाद बिहार में तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। उन्होंने खेला होना बाकी है का दावा किया था। यही वजह है कि हर पार्टी अपने विधायकों को एकजुट करने में जुटी हुई है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है, एकजुट रहने का निर्देश दिया है। खबरों के मुताबिक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी के तमाम विधायक दल की अहम बैठक भी बुलाई थी। सभी विधायकों को पटना में रहने के निर्देश दिए गए हैं। तेजस्वी यादव की ओर से साफ साफ ये कहा गया है कि कोई भी आरजेडी विधायक आगामी कुछ दिनों यानी फ्लोर टेस्ट तक पटना से बाहर नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, सभी को एकजुट रहने का निर्देश भी दिया गया है। माना यह भी जा रहा है कि तेजस्वी का ये कदम आरजेडी विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में है। बैठक में आने वाले नेताओं के लिए भोज की भी व्यवस्था की गई है। लालू प्रसाद यादव भी बैठक को संबोधित करेंगे और विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान पार्टी की रणनीति की जानकारी देंगे। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने अपने 19 विधायकों में से 16 विधायकों को पहले ही हैदराबाद में शिफ्ट कर दिया है। किसी भी दल के नेता इस मसले पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सभी दल अपने विधायकों को सहेजने में जुटे हुए हैं। वहीं 4 विधायकों के बल पर बिहार की सत्ता में शामिल हुई हम पार्टी भी फ्लोर टेस्ट को लेकर पूरी तरह से एक्टिव है। नीतीश सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने अपने सभी विधायकों को 12 फरवरी को सदन में रहने को कहा है। इसको लेकर हम पार्टी ने अपने विधायकों के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है। इस बीच जीतन राम मांझी ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो कुर्सी की लालच में किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते और उनकी पार्टी मजबूती से सरकार के साथ खड़ी रहेगी। इस बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट में कई विधायक क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं। ऐसे में संभव कुछ भी है। हालांकि नीतीश कुमार लगातार ये बात कह रहे हैं कि उनके पास बहुमत है और उनकी सरकार सुरक्षित है, मगर तेजस्वी यादव के खेला होने वाले बयान को लेकर बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद से ही पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गुस्से में हैं और वो बयान देते दिखाई पड़े कि अभी खेला शुरू हुआ है, खेल अभी बाकी है। आप लिख कर ले लीजिए जनता दल यूनाइटेड, जो पार्टी 2024 में ही खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कर लें, लेकिन सरकार कितने दिन चलेगी ये कोई नहीं जानता। वहीं तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद से बिहार में आईटी मिनिस्टर संतोष मांझी ने उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि ये लोग केवल शोर मचा सकते हैं। बिहार के मंत्री संतोष सुमन ने अपने ट्वीट में लिखा कि जो लोग खेला होने की रट लगा रहे हैं, उन्हें नींद से जागने की जरूरत है। बिहार की जनता ने कब का उनके साथ खेला कर दिया और इस बार एनडीए ने उनको क्लीन बोल्ड किया। अब जो लोग मैदान से बाहर हैं वो केवल शोर मचा सकते हैं, खेला नहीं कर सकते। संतोष सुमन जीतन राम मांझी के बेटे हैं। अपने ट्वीट में आगे लिखते हैं कि जो विधायकों को तोड़ने का दम भर रहे हैं, दरअसल ये लोग अपने विधायकों को टूट को बचा नहीं पाएंगे। हमारी सरकार विश्वास मत के दिन 128 से ज्यादा वोट हासिल करेगी, जबकि महागठबंधन के दर्जनों विधायक करेंगे क्रॉस वोटिंग। बिहार में 12 फरवरी को नीतीश की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को बहुमत साबित करना है, आप सब जानते हैं, और 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर अभी से सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच इस तरह का जब बयान तेजस्वी यादव का बिहार के सियासी पारे को बढ़ा रहा है, उस बीच जीतन राम मांझी के बेटे जिस तरीके से बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वो भी एक तरह से देखा जाए तो एनडीए के जो विधायक हैं या यूं कहें कि जेडीयू के जो विधायक हैं, उनके लिए भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है। देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह का समीकरण बिहार की सियासत में दिखाई पड़ता है। 9वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, अब उनकी अग्नि परीक्षा सदन के भीतर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।